आज का दिन स्टार्ट करते हैं एक महान हस्ती के साथ में। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1952 से 1962 तक, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1962 से 1967 तक। पर लेकिन जब इनसे पूछा गया कि आप किस नाम से चाहते हैं कि आपको दुनिया जाने, वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट या फिर किसी और ओहदे के नाम से, तो इन्होंने सीधा सीधा कहा कि मैं चाहता हूं कि दुनिया मुझे एक टीचर के नाम से जाने, यानी कि मैं एक टीचर हूं, इस नाम से दुनिया मुझे जाने। ये थे इनके वर्ड, ये थे इनके शब्द। तो ये हमेशा से अपने आप को एक टीचर के रूप में देखते थे। ये चाहते थे कि बच्चों को एक तरीके से पढ़ाया जाए, इस तरीके से गाइड किया जाए कि आने वाली जनरेशन एक ऐसी जनरेशन हो कि जो हमारी कंट्री को एक सही पाथ पर लेकर आगे बढ़ सके। इन महान हस्ती का नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 5 सितंबर को इनके बर्थडे के रूप में हम आज की डेट में टीचर डे को सेलिब्रेट करते हैं। टीचर डे हमारी कंट्री में बनाया जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वो 1888 में आप लोगों को मद्रास में देखने को मिलेगा, जो आज की डेट में आप लोग जिसको चेन्नई बोलते हैं, जो कि तमिलनाडु में देखने को मिलता है। और डेथ इनकी हुई थी 17 अप्रैल 1975, यानी कि इमरजेंसी के ड्यूरेशन में आप लोग देखते हैं लगभग उस ड्यूरेशन में। और यहाँ पर इनकी डेथ भी हुई थी कहाँ पर, मद्रास में, तमिलनाडु में। और देखिए यहाँ पर इनके द्वारा बात कितनी शानदार बोली गई है नीचे। इन्होंने बोला है कि टीचर जो होने चाहिए वो बेस्ट माइंड इन द कंट्री होने चाहिए, यानी कि अगर एक अच्छा टीचर सामने निकल कर आएगा तो पता नहीं कितने ऐसे अपने जैसे कितने सारे इंसानों को खड़ा कर सकता है सामने लाकर, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी खड़ी कर सकता है पूरी की पूरी कि वो एक तरीके से अपने कंधों पर लेकर पूरा सोसाइटी का भार आगे बढ़कर चल सकते हैं। तो ये दिन आप लोग याद रखते हैं 5 सितंबर के रूप में। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो, और किन के नाम के साथ में जुड़ा हुआ है वो भी आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग निकल के आता है। ये तो हम लोगों ने अपनी कंट्री के डे के बारे में बात करा, यानी कि नेशनल टीचर डे के बारे में बात करा। इंटरनेशनल टीचर्स डे ये किस तारीख में सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज है 5 सितंबर। आज देखते हैं कि हमारा क्या क्या PIB ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में क्या है, पूरा करंट का शानदार डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अगला पोर्शन। इंपॉर्टेंट और शॉर्ट न्यूज़ से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो पहली जो न्यूज़ निकल कर आ रही है यहाँ पर, ये निकल कर आ रही है, काफ़ी खतरनाक न्यूज़ है हमारे सामने। ये है जापान के बारे में। एक टाइफून देखने को मिला जिसका नाम है जेबी टाइफून आप लोगों को देखने को मिला। लोकेशन क्या है, लोकेशन आप लोग यहाँ पर देखते हैं। ये यहाँ पर आप लोग देखेगा, ये हो गया टोक्यो, यानी कि जापान की कैपिटल। यहाँ पर ये टाइफून देखने को मिल रहा है जिसका नाम है जेबी ने इतनी तबाही यहाँ पर मचाई है, बहुत एक तरीके से खतरनाक लेवल की। आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए गाड़ी यहाँ पर उलट दी गई है, और क्या हाई लेवल की यहाँ पर आप लोगों को ये बौछार देखने को मिल रही है पानी की। तो इस तरीके से अभी केरला में देखने को मिला, अभी अलग अलग कंट्री के पार्ट में हमारी खुद की कंट्री में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर अब आप लोगों के सामने है जापान। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जो आज की डेट में, यानी कि एक तरीके से जो हम आज की डेट में कर चुके हैं क्लाइमेट के साथ में या फिर एनवायरमेंट के साथ में, वो हम अब भोग रहे हैं एक तरीके से, आप लोग ये भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन बने तो आप लोग याद रखिएगा, टाइफून का नाम है यहाँ पर जेबी, जापान वाले रीजन में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर सिविल एविएशन मिनिस्टर जिनका नाम है सुरेश प्रभु जी। सुरेश प्रभु जी ने बताया कि आने वाले टाइम में लगभग 10 से 15 सालों में लगभग 100 से भी ज़्यादा नए एयरपोर्ट हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि एस्टिमेशन ये लगाया जा रहा है कि $60 बिलियन का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है आने वाले टाइम में, खासकर अगर बात करें हमारी जो एयर जो सिविल एविएशन इंडस्ट्री है उसके अंदर में। देखिए हमारी कंट्री एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, बढ़ती हुई कंट्री है, और आज की डेट में लोग पहले सोचते थे कि ट्रेन में यात्रा कर लेते हैं, आज की डेट में हवाई जहाज में यात्रा करते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम जो है वो फास्ट होता जा रहा है। आज की डेट में अगर किसी को कहीं जाना है, मान लीजिए आज की डेट में किसी को जम्मू और कश्मीर से तमिलनाडु जाना है, तो कोई भी ट्रेन से जाना पसंद नहीं करेगा, तो जरा सी देर में हवाई जहाज से जाइए और उतना ही खर्चा आ जाता है लगभग आज की डेट में। तो सीधा सीधा पर्पज क्या होता है, अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे से बेचना है तो उसका प्राइस इतना डाउन कर दो कि उसके अवेलेबल बराबर में जो कोई दूसरी चीजें हैं उसको लोग यूज करना बंद कर दें, मतलब इतनी फैसिलिटी। आप देखते हैं, आज देखते हैं रेडमी के जो फोन आए हैं निकल के, उसके द्वारा कैसे कैसे फोन आए निकल के, जो फीचर्स वहां पर बड़े बड़े फोन दे रहे थे वो महंगे महंगे, उसमें वो इन्होंने बहुत सस्ते में प्रोवाइड करा दिए। और आज के डेट में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है आज के डेट में हमारी कंट्री में। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, यही किस्सा हुआ यहाँ पर किसके साथ में, सिविल एविएशन के साथ में। और खासकर कहां से निकल कर आया, ये निकल कर आया जब से यहाँ पर हमारी कंट्री में उड़ान स्कीम निकल कर आई, यानी कि जब से उड़ान स्कीम निकल कर आई तब से आप लोग देखते हैं जो प्राइस है वो काफी डाउन कर दिया गया, और तब से यहाँ पर हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग आज के डेट में यात्रा कर रहे हैं हवाई जहाज में। जिनके कभी सपने भी रहा करते थे कि हवाई जहाज में बैठेंगे, तो वो भी आज के डेट में हवाई जहाज में एंजॉय कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में ये और भी ज़्यादा है जो हमारी, मतलब और भी ज़्यादा इस तरीके से फ्रेंडली होगा जिस तरीके से एक नॉर्मल आदमी भी यहाँ पर आराम से इसमें ट्रेवल कर सके। एक ये बात है। दूसरी बात आप लोगों को ये बतानी है, जो उड़ान स्कीम का मैंने आप लोगों को नाम बताया, ये उड़ान स्कीम स्टार्ट कहाँ से की गई थी, ठीक है? जो फर्स्ट फ्लाइट थी उड़ान स्कीम की वो कहाँ पर थी, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है? आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है हमारी सोसाइटी के बारे में। हमारी सोसाइटी एक इस तरीके की सोसाइटी है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी आप लोग इसको बोल सकते हैं, या फिर मल्टी कलर सोसाइटी भी आप लोग बोल सकते हैं हमारी सोसाइटी को। तो हमारी सोसाइटी में अलग अलग तबका सोसाइटी का आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर लेकिन कुछ डिवीजन ऐसे हैं जो कि सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं है। जैसे क्या बोल देते हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा, वर्ड ऐसे ऐसे यूज कर लिए जाते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से वो वर्ड ऐसे कनेक्ट कर रखे हैं कि यहाँ पर एक तरीके से नीचा दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर बोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा एक एडवाइजरी इशू की गई है मीडिया हाउसेज को कि वो यहाँ पर बचें जो यहाँ पर है नोमेनक्लेचर दलित वर्ड यूज करने से, यानी कि एससी और एसटी आप लोग यूज करते हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट यूज कर सकते हैं दलित की जगह। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है, ठीक है। जिस तरीके से जो विकलांग हमारी सोसाइटी में जो विकलांग जन है हमारे जो भाई बहन हैं उनके लिए देवांगन जो वर्ड यूज किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो वो भी कहीं ना कहीं एक डिफरेंट तरीका आप लोगों को बोल सकते हैं बुलाने का। और देखिए ये सारे एक तरीका होता है आप लोगों को देखने का नजरिया। अगर आप लोग सामने वाले को कमजोर न समझे, सामने वाले को ये देखिए कोई ना कोई कैपेबिलिटी सामने वाले के अंदर में होगी, और कभी भी उसको ऐसी नजर से देखें कि हाँ ये क्या हो गया यार, लाइफ में क्या हो गया। तो देखिए वो एक तरीके से थोड़ा सा वो नजरिया चेंज कीजिए तो बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट बात की जा रही है ब्राजील में। यह ब्राजील का नेशनल म्यूजियम जो कि ह्यूज फायर यहाँ पर इसमें देखने को मिली, यानी कि काफी पुराना था, लगभग 200 साल पुराना आप लोग इसको बोल सकते हैं संग्रहालय था यहाँ पर। ये यहाँ पर बहुत सारी किताबें आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसकी वजह से काफी खतरनाक लेवल की यहाँ पर आग लगी है, तो काफी कुछ तो यहाँ पर जलकर वैसे ही राख हो गया होगा। तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है विराट कोहली जी के बारे में। विराट कोहली जी को यहाँ पर लेटेस्ट जो रैंकिंग की बात की जा रही है यहाँ पर वो टॉप रैंकिंग पर बने हुए हैं। तो देखिए ये हमारी कंट्री के लिए काफ़ी शानदार बात आप लोग बोल सकते हैं। आईसीसी, ठीक है, तो इंटरनेशनल जो क्रिकेट का जिस तरीके से हमारी कंट्री में बीसीसीआई है, इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा आईसीसी। आप लोगों को ये बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, जहाँ से ये रैंकिंग जारी की जाती है, तो कहाँ से जारी की जाती है ये, तो इतना कम से कम आप लोग याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, आज क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। काफी शानदार तरीके से आप आंसर देने। आज मैंने दो पर्सन के नाम उठाए, एक तो यहाँ पर राहुल कुमार और दूसरे यहाँ पर ये हैं गर्ल्स, यहाँ पर इनका नाम है शेख हिना आजमी। तो दोनों के द्वारा काफी अच्छे आंसर दिए गए यहाँ पर आप लोग देखते हैं। मैंने पोषण अभियान के बारे में पूछा था, तो ये राजस्थान से स्टार्ट किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आर्मी जो चीफ है यहाँ पर आज के डेट में कौन है, ये है बिपिन रावत जी जो काफी न्यूज में रहते हैं, और नेवी चीफ है यहाँ पर एडमिरल सुनील लांबा। इनके नाम आप लोग याद रखते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं। अगर बात करें, मैंने आप लोगों से कंट्री का नाम पूछा था, एक छोटी सी कंट्री थी यहाँ पर, ये आप लोग देखते हैं, ये थी यहाँ पर, ये थी पुर्तगाल, यानी कि आप पुर्तगाल भी बोल सकते हैं। ये वास्को डी गामा वाली पुर्तगाल है जो यहाँ से घूमते घूमते मजे मस्ती में होते हुए यहाँ पर आए थे। अब तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं ये यहाँ पर कैनाल है जिससे होते हुए भी यहाँ पर आ जाते हैं। इस कैनाल का नाम आप लोग याद है, इकोनॉमी वाले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था, याद होगा। अगर याद नहीं है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कौन सी कैनाल है और कब ये ओपन की गई थी, जिसकी वजह से जो अंग्रेजों का जो शिकंजा है हमारी कंट्री के ऊपर और ज्यादा कस गया था। इस कैनाल का आप लोग यहाँ पर नाम बताना है, ठीक है, तो बताइएगा। चलिए इसको, तो ये यहाँ पर हो गया वास्को डी गामा के बारे में जो हम लोगों ने पूछा था। इसके अलावा मैंने पूछा था सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। तो 1976 में ये मिनिस्ट्री जो है आज के डेट में किसके नंबर में है, ये जगत प्रकाश नड्डा जी के फॉर्म की गई थी। ओके, इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पूछा था। 1993 में इसको बनाया गया था, मैंने आप लोगों को लेक्चर भी बोला था कि उसको जाकर आप लोग रिवाइज कीजिएगा। जस्टिस HL दत्तु नजर आएंगे जो चीफ जस्टिस, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब नियम के द्वारा, यानी कि लॉ के द्वारा बनाई गई है, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। ना तो संवैधानिक बॉडी है और ना ही एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। प्राइवेसी जो है यहाँ पर आर्टिकल 21 के तहत आती है। और केस पुट्टा स्वामी वाला जो केस था उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिला, ये केस काफी न्यूज में भी था, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये केस आप लोग याद रखते हैं। तो ये केस था काफी न्यूज में, जिसके तहत हमारा जो प्राइवेसी का जो हक है वो अब एक फंडामेंटल राइट बन गया है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट मैंने पूछा था जो हमारा झंडा बनाने वाले जो महान पुरुष हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था, इनका नाम भी आप लोगों को याद रखना है और लोकेशन भी आप लोग याद रख सकते हैं। नाम क्या है, इनका नाम है पेंगाली वेंकैया, तो इनका नाम आप लोग याद रखते हैं। जिस तरीके से वेंकैया नायडू जी हैं तो वही यहाँ पर वेंकैया आप लोग देखते हैं। तो ये जो है मछलीपट्टनम, यानी कि आंध्र प्रदेश में आप लोगों को नजर आएगा, जिनमें आंध्र प्रदेश जो इनकी जन्मभूमि है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। आंसर काफी शानदार तरीके से दे रहे हैं, ऐसे ही आप लोग आंसर देते रहिए, और ऐसे देखिए मोटिवेशन काफी मिलता है जब आप लोग इस तरीके से आंसर देते हैं। एक और भी अच्छा मन करता है कि और अच्छे से डेडिकेशन से काम आगे किया जाए चीजों को, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पोर्शन है यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। जो फर्स्ट न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बात की जा रही है ये एक सुनामी मॉक ड्रिल जिसको बोला जा रहा है IO वेव 18, ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली अभी बिगन, यानी कि कल से यहाँ पर स्टार्ट हुई। 4 सितंबर से कहां पर, इंडियन ओशन में, यानी कि हमारे ओशन में ये स्टार्ट की गई। आखिर काम क्या है इसका? तो पहला आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है। ओ का मतलब पूछ लेंगे, आई का मतलब पूछ लेंगे, और अगर यूपीएससी पूछेंगे तो आप लोगों से पूरा प्रोसीजर इसका जानेंगे कि क्या इंडिया भी पार्ट है, वो सब चीजें पूछेंगे आप लोगों से। तो यहाँ पर जिस तरीके से बोला जा रहा है इसको इंडियन ओशियन वेव एक्सरसाइज, पहले तो आप लोगों को इसका नाम याद रखना है। दूसरी बात क्या बोली जा रही है, इंडिया के साथ में 23 नेशन यानी कि टोटल मिला देंगे तो 24 नेशन यानी कि 24 कंट्री यहां पर पार्टिसिपेट कर रही है। जो कि यहां पर फोकस किस पे रहेगा कि जिस तरीके से सुनामी आप लोगों को याद होगा 2004 में सुनामी आई थी। सुनामी एक तरीके से एक ऐसा वेव ऑफ वाटर बोल सकते हैं जो कि कई सौ मीटर ऊपर तक यहाँ पर चलकर एक पूरी परत चलती है, यानी कि आप लोग सोच सकते हैं कि आप लोग खड़े हैं कहीं पे और आप लोगों के सामने एक पूरी दीवार पानी की चली हुई आप लोगों के सामने आ रही है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये सबसे खतरनाक सिचुएशन देखने को मिलती है जो किसी को नहीं छोड़ती, तो हर एक लेवल पर आप लोगों को त्रासदी देखने को मिलती है। तो सुनामी की यहाँ पर बात की जा रही है, तो किस तरीके से अगर आती है तो उससे निपटा जा सकता है। तो टोटल कंट्री 23 यहाँ पर, सबके नाम है इंटरेस्टिंग क्या है, यहाँ पर पाकिस्तान भी आप लोग यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, तो ये सारी कंट्री आप लोग यहाँ पर याद रखने की जरूरत नहीं है, एक दो याद रख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देखते हैं ईरान भी है यहाँ पर, ठीक है ना, इंडिया तो हो गया, पाकिस्तान है हमारे साथ मिलकर, तो 2-4 कंट्री जो काफी न्यूज में रहती हैं तो उनके नाम आप लोग याद रखते हैं, बाकी सबके याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर कल को सुनामी अगर किसी भी तरीके से कोई इस तरीके की चीजें आती हैं तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो ये ऑर्गेनाइज कराए गए यहाँ पर इंटरनेशनल ओशियोग्राफी कमीशन IOC, ये यूनेस्को के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। IOC की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेट कर रहा है इंडियन ओशियन सुनामी वार्निंग एंड द मिटिगेशन सिस्टम, ये देखने को मिलेगा। यानी कि हमारी कंट्री में जब से 2004 से जब से सुनामी आप लोगों को देखने को मिली इंडियन ओशन में, तब से लेकर इस तरीके की सिचुएशन यहां पर आप लोगों के सामने नजर आती है कि कहीं ना कहीं अलर्ट हो गए हैं लोग, तो सुनामी की प्रिपेयर्डनेस देखने को मिलेगी यहां पर अगर इस तरीके से स्टेप उठाया जाता है तो, ठीक है। ये आप लोग देखते हैं, ये यहां पर सुनामी आप लोग देखते हैं जब पानी उठ के चलता है तो यहां पर सब चीजें बहा कर ले जाता है, किसी चीज को नहीं छोड़ता है, यहां पर इस तरीके से कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। और आखिर यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया यहाँ पर, ये जो एक्सरसाइज का मैंने आप लोगों को नाम बताया जिसका नाम था यहाँ पर, नाम आप लोगों के सामने यहाँ पर, यह IO वेव 2018। आखिर ये इसका कहाँ से डिसाइड किया गया कि ऐसा कुछ करना है हम लोग को 2018 में चल के, तो ये डिसाइड किया गया 11 सेशन हुआ मलेशिया में, 11 सेशन हुआ मलेशिया में जब इंटरनेशनल गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन ग्रुप और यहाँ पर किसके लिए इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग एंड द मिटिगेशन सिस्टम, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब ये बातें निकल कर आई, ये सेशन मलेशिया में आप लोगों को देखने को मिल रहा था इसका, उस टाइम पर बोला गया कि एक ऑर्गेनाइज कराएंगे IO वेव 2018, मतलब 18 लिखा जाएगा बस। तो इंडियन ओशन वेव एक्सरसाइज को बोला जा रहा है, टास्क क्या रहेगा, किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर्डनेस अपनी दिखा सकते हैं अगर कल को कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनती है तो वहां से ऑलरेडी इसका डिसीजन ले लिया गया था। ओके, आगे चलते हैं। पाकिस्तान के अभी नए प्राइम मिनिस्टर चुनकर आए हैं, यहाँ पर नाम है इमरान खान। तो देखिए यहाँ पर कई सारे स्टेप सोचे जा रहे हैं कि आने वाले टाइम में सुधर सकते हैं थोड़े रिलेशन। तो इंडिया और पाकिस्तान एग्री हो गए यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आगे से डेटा शेयर करने के लिए, बात करने के लिए। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात करें तो 1960 में यहाँ पर यह ट्रीटी साइन की गई थी, और कहीं ना कहीं इसके बारे में कई बार ये बात बोली जाती है कि ये ट्रीटी सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि इंडिया के जो पानी जो ऊपर से आ रहा है वो यहाँ पर इंडिया के हाथ में है। यानी कि माना यह जाता है कि अगर यहाँ पर जहाँ पर आज के डेट में हम हैं, अगर यहाँ पर पाकिस्तान होता, देखिए यहाँ पर आप लोग देखते हैं यहाँ से ये रिवर निकल के आती है, ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगी और यहाँ पे पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान की लाइफ लाइन भी इसको बोला जाता है, इस रिवर को। तो अगर ऊपर पाकिस्तान होता और नीचे इंडिया होता तो शायद कभी ऐसी ट्रीटी जो इतनी सक्सेसफुल हो रही है ये इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। कई बार ऐसी बातें भी बोली जाती है यहाँ पर जो एनालिस्ट हैं, जो एनालिसिस करते हैं उनके द्वारा। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर कई बार बहस भी होती है दोनों के बीच में। हालांकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कई सारे रहते हैं यहाँ पर, इंडिया सोचता है नए नए प्रोजेक्ट बना लिए जाए, पाकिस्तान चिल्लाने लगता है कि यहाँ पर पानी की जो कमी हो जाएगी हमारी कंट्री में। कुछ ऐसी बातें यहाँ पर बार-बार बोली जाती है। तो अभी देखने को मिलेगा बायलैटरल टॉक दोनों के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, जो कि लाहौर में साइन की गई थी पाकिस्तान में। जी हां, लाहौर में साइन की गई थी। और क्वेश्चन इससे कई बार क्या बनता है, ये ट्रीटी जो है यहाँ पर ये किसके द्वारा यहाँ पर सपोर्ट की जाती है, तो सपोर्ट की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। जी हाँ, इंटरनेशनल यहाँ पर यह इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा यहाँ पर सपोर्ट की जाती है। और अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग रिवर के नाम याद रखते हैं, जैसे ब्यास हो गया, रवि, सतलज, इंडस, चेनाब, झेलम। तो ये रिवर आप लोग यहाँ पर देखते हैं, जो कई सारी रिवर यहाँ पर आप लोग के सामने हैं। तो टोटल 6 रिवर का सिस्टम आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है ये, ठीक है, दोनों कंट्री के बीच में जो डिवाइडेड है। बाकी जो ट्रीटी साइन की गई थी तो जवाहरलाल नेहरू जी आप लोग देखते हैं, पाकिस्तान के अयूब खान थे उस टाइम पर प्रेसिडेंट, इन दोनों के बीच में 1960 में ये ट्रीटी साइन की गई थी। कहाँ पर? लाहौर में, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे कौन सपोर्ट करता है, वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है। कहाँ पर साइन की गई थी? लाहौर में। कब साइन की गई थी? 1960 में। किसके द्वारा साइन की गई थी? यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी के और अयूब खान जी के द्वारा। तो किस किस रिवर को लेकर यहाँ पर ब्यास, रवि, सतलज, इंडस, चेनाब और झेलम। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो तीन से चार पांच क्वेश्चन आप लोग यहीं से ही निकल कर आ जाएंगे। आगे चलते हैं, अगली जो न्यूज है यहाँ पर नजर डालते हैं स्टेट के बारे में। जी हाँ, स्टेट से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज निकल कर आ रही है और खासकर इंटरनेशनल रिलेशन में भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकती है। बात की जा रही है जोखा अवतार इमिग्रेंट चेक पोस्ट, ये यहाँ पर मिजोरम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि क्या है, ये एक तरीके की चेक पोस्ट है, यानी कि एंट्री है यहाँ पर, आप लोग इधर से उधर, उधर से इधर आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये सेकंड चेक पोस्ट आप लोगों को नजर आएगी जो कि मिजोरम में है। इससे पहले यहाँ पर जोरिनपुई है, ये पुरी नहीं, जोरिनपुई पोस्ट आप लोगों को नजर आएगी, ये मिजोरम में, जो कि ओपन की गई थी सितंबर 2017 में और अब 2018 में यहाँ पर नई पोस्ट यहाँ पर ओपन की गई, ताकि जो यहाँ पर आराम से यहाँ पर एंट्री की जा सके, चीजें यहाँ पर आसानी से एक दूसरे साइड में सेंड की जा सके। तो म्यांमार बॉर्डर पर आप लोगों को ये सारी चीजें नजर आएंगी। तो इसी बहाने से आप लोगों का मन भी कर रहा होगा, यार देख लेते कहाँ पर है मिजोरम और कहाँ पर बात की जा रही है म्यांमार की। तो ये है मिजोरम वाला एरिया और यहाँ पर ये हो गया म्यांमार। तो यहाँ से एंट्री करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो अच्छे से समझ लिया कीजिए, आगे चलते हैं। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। अगर बात की जाए यहाँ पर 1643 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं हम लोग म्यांमार के साथ में। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, चार ऐसे स्टेट हैं जो हमारे यहाँ पर म्यांमार को टच करते हैं। और अगर ऐसे देखें फिफ्थ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करते हैं यहाँ पर किसके साथ में, म्यांमार के साथ में। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ में 4096, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चाइना के साथ में यहाँ पर यह 3488, पाकिस्तान के साथ में यहाँ पर 3323 और इसके अलावा नेपाल के साथ में अगर बात करें तो यह 1751। तो यहाँ पर चार कंट्री जो टॉप की यहाँ पर, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। और पांचवें नंबर पर है म्यांमार, जिनके साथ में टॉप यहाँ पर सबसे ज्यादा बाउंड्री हम लोग टच करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पोर्शन यहाँ पर ये डिफेंस न्यूज का निकल कर आ रहा है और यहाँ पर एक एक्सरसाइज की बात की जा रही है जिसका नाम है यहाँ पर रेपिड ट्राइडेंट। तो ये कैसी एक्सरसाइज है, यहाँ पर एक एक्सरसाइज आप लोगों को नजर आएगी जो कि एक एनुअल ज्वाइंट एक्सरसाइज है और यहाँ पर पार्टिसिपेट किया जा रहा है यूक्रेन के द्वारा। यूक्रेन आप लोगों को पता होगा, जब बात की गई थी आप लोगों को काफ़ी टाइम हो गया, हालांकि अब तो आप लोग भूल भी गए होंगे, आप लोगों को हल्का सा अगर याद आ रहा हो तो यहाँ पर ये आप लोग देखते हैं, ये हो गया यूक्रेन, ठीक है ना। यूक्रेन के नीचे एक छोटा सा पोर्शन है जो कि रशिया के द्वारा हथिया लिया गया था। इस पोर्शन का नाम क्या है, इसको बोलते हैं क्रीमिया। तो क्रीमिया जो यहाँ पर हत्या गया था यहाँ पर रशिया के द्वारा, तब से लेकर आज तक का यूक्रेन में और रशिया के बीच में यहाँ पर रस्साकसी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो अभी जो यहाँ पर पार्टिसिपेट किया जा रहा है यूक्रेन के द्वारा, यहाँ पर पार्टिसिपेट किया जा रहा है नाटो के साथ मिलकर, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इस एक्सरसाइज को यहाँ पर पार्टिसिपेट बनने का। तो यहाँ पर जो मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे सारे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वेस्टर्न कंट्री आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे जो कि सेप्टेम्बर 2 से सेप्टेम्बर 15 तक 2018 में ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि चलने वाली है। गोल क्या रहने वाला है, किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं यहाँ पर आर्म्ड एग्रेशन और कोएलिशन करके यहाँ पर काम कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। इंटरेस्टिंग बात क्या है इसके बारे में, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी एक हफ्ते के बाद यहाँ पर रशिया के द्वारा जो मिलिट्री की बिगेस्ट एवर एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसका नाम है वोस्टॉक 2018 देखने को मिलेगी, कोल्ड वार से बाद की, यानी कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज अब तक नहीं देखने को मिली। इसमें चाइना और मंगोलिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। ट्राइडेंट एक्सरसाइज में यहाँ पर टोटल मिला के 14 कंट्री यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, यूके, कनाडा, जॉर्जिया, तुर्की वगैरह ये भी पार्टिसिपेट यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर ये इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। फर्स्ट टाइम यहाँ पर यूक्रेन की बॉर्डर गार्ड सर्विस और इसके अलावा नेशनल गार्ड ट्रूप्स तो ये भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि ये एक तरीके से एग्रेशन की तरीके से देखा जा रहा है। यहाँ पर जो यूक्रेन है यहाँ पर ये रशिया को एक तरीके से एग्रेशन दिखा रहा है यहाँ पर इनके साथ में पार्टिसिपेट करके, ये बात भी आप लोग बोल सकते हैं। एक्सरसाइज का नाम जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इसी के साथ में यह वोस्टॉक, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है इसी बहाने से। आगे चलते हैं, थोड़ा सा पिक्चर भी देख लीजिए आप लोग, मन में थोड़ी सेट हो जाती है चीजें, इस तरीके से बैठ जाती हैं अच्छे लंबे समय तक। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जिस एक्सरसाइज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। वैसे तो अभी एशियन गेम खत्म है पर फिर भी कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती रहती है स्पोर्ट के बारे में। नाम यहाँ पर नाम आ रहे हैं, दो गर्ल्स के नाम आ रहे हैं यहाँ पर, इनके नाम आप लोग याद रखते हैं। पहला नाम है यहाँ पर अंजुम मुदगिल और दूसरा नाम है अपूर्वी चंदेला। तो इनका नाम दोनों का याद रखते हैं। ये फर्स्ट सेट ऑफ इंडियन शूटर का आप लोगों को देखने को मिलेगा जिन्होंने अपना कोटा सिक्योर कर लिया है 2020 के ओलंपिक में। प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, बता दीजिए भैया कहां पर होने वाले हैं। जी हाँ, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आगे बढ़े तो आप लोगों को देखने को मिलते हैं यहाँ पर वन लाइनर पर नजर डालते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहता है खासकर आप लोगों के रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और क्वेश्चन भी इनसे बन जाते हैं। अभी यहाँ पर इंडियन विंग्स ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI के द्वारा मिलकर यहाँ पर अभी देखने को मिला, यहाँ पर ये बात की जा रही है यहाँ पर ये बात की जा रही है लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बात की जा रही है वेलनेस ऑफ द वुमेन के बारे में। वाओ, यहाँ पर लॉन्च किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके तहत यहाँ पर जो वुमेन है उसकी हेल्थ की बात की जाएगी, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाएगी कंट्री में। तो अगर आप लोगों से पूछे कि वाओ वेब किससे रिलेटेड है, वाओ का मतलब क्या है, तो ये वेलनेस ऑफ द वुमेन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडिया नेपाल यहाँ पर थिंक टैंक अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा काठमांडू में, जिसमें नॉलेज शेयर की गई एक दूसरे के साथ में किस तरीके से रिलेशनशिप को और आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करके, उन सब तमाम बातों पर फोकस किया गया। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कड़कनाथ चिकन मीट आप लोगों को नजर आएगी यहाँ पर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा यहाँ पर दिया गया। ये मीट देखने को मिलती है यहाँ पर, यानी कि वो नहीं होता है पर्टिकुलर एरिया में कोई चीज़ें फेमस हैं, जैसे आगरा का पेठा, बनारस की साड़ी, ये सब तमाम चीज़ें आप लोग देखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कड़कनाथ, ये काला मुर्गा आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसकी मीट है जो काफ़ी फेमस है, तो इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा अभी दे दिया गया है। चेन्नई बेस्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया के द्वारा यहाँ पर ये इस तरीके का इंडिकेशन दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, ये है यहाँ पर रंजीत श्रीवास्तव। याद होगा आप लोगों को जब मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी डिस्कस किया था इसके बारे में, और यहाँ पर आप लोगों को आर्टिकल भी पढ़ाया था नैनो मैगजीन में ही। ये यहाँ पर इंडियन वर्जन बनाया इन्होंने सोफिया का, जिसका नाम रखा है रश्मि। सोफिया एक तरीके का रोबोट यहाँ पर बनाया गया था, अभी डेवलप किया गया था हांगकॉन्ग बेस्ड कंपनी के द्वारा, जो कि बोल सकता है, एक तरीके से ह्यूमन की तरीके से बातें कर सकता है, एक तरीके से फ्रेंड की तरीके से आप लोग ट्रीट कर सकते हैं इसके साथ में। तो उसी का वर्जन बनाया गया रश्मि, जो कि हिंदी, भोजपुरी और मराठी और अलॉन्ग विद इंग्लिश, ये सारी लैंग्वेज सकता है। यानी कि सोफिया का वर्जन रश्मि बना दिया, हमारी खुद का वर्जन हो गया ये, ठीक है। यानी कि जिस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, हम लोग खुद का एक वर्जन तैयार कर लेते हैं, तो इनके द्वारा ये तैयार किया गया वर्जन, याद रखिएगा क्वेश्चन बन सकता है। ये रांची के पर्सन है, ठीक है ना। इसके अलावा इंडियन रेल के द्वारा फर्स्ट स्त्री काइंड ऑफ सर्विस यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई गई। ये यहाँ पर इस तरीके की मिशन सत्यनिष्ठा, यानी कि एक तरीके का प्रोग्राम है, किस तरीके से यहाँ पर जो ड्यूटी करते हैं, जो यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं, एम्प्लॉयज रहते हैं जो गवर्नमेंट के, खासकर रेलवे के, उनको किस तरीके से ऐसे लेवल की यहाँ पर शिक्षा दी जाए ताकि वो जो जनता के साथ में ढंग से व्यवहार करें, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर नेशनल रेल म्यूजियम न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं कि किसके द्वारा बनाया गया, कौन है यहाँ पर आज के डेट में हमारे रेल मिनिस्टर कौन है, ये बताइए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग। ओके, इसके अलावा यहाँ पर लेक्चर नंबर 77 है, यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में कंपेयर किया गया है, कौन कौन अपॉइंट करता है आप लोगों को ये बताना है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को कौन अपॉइंट करता है और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, दोनों के बारे में आप लोग क्वेश्चन बताना है। लेक्चर देख लीजिएगा जाकर, लिंक आप लोग को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट जाकर लिंक पर क्लिक करके आप लोग लेक्चर को देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। पर लेकिन आप लोगों ने जो टारगेट था आप लोगों का लाइक का, वो टारगेट आप लोग कंप्लीट नहीं कर पाए, फिर से वही टारगेट रखता हूँ यहाँ पर 4000 टारगेट आप लोगों को कंप्लीट करना है। एक दिन जोश में कर देते हैं, फिर दूसरे दिन भूल जाते हैं। आंसर शानदार तरीके से आप लोगों को देने हैं, और कोशिश ये कीजिए कि जब वीडियो डले यहाँ पर, यानी कि 4 बजे वीडियो डलती है, तो लगभग 10 बजे तक आप लोग आंसर दे दीजिए, ठीक है ना। 10 बजे तक जो आंसर देता है उसके आंसर मैं उठाता हूँ वहाँ पर, क्योंकि बाकी के आप लोगों को देखने को मिलेगा फिर आंसर क्या करते हैं, रिपीट करने लगते हैं, कॉपी कर करके पेस्ट करने लगते हैं, ठीक है, तो फिर मजा नहीं आता है। तो नेचुरल आंसर रखिए थोड़ा सा अपना। इसके अलावा सब्सक्राइब करके फैमिली का पार्ट बन सकते हैं, बाकी यहाँ पर शेयर करना ना भूलिए, व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ पर भी आप लोग कनेक्टेड हैं, और इस लेक्चर की PDF आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि क्या-क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया, ताकि आपके माइंड में एक बार चीजें सेट हो जाएं और लंबे समय तक आप लोग उनको भूल ना पाए। ओके, फर्स्ट जो हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया, शानदार यहां पर टीचर्स डे के साथ में हम लोगों ने स्टार्ट किया, और क्वेश्चन भी पूछा गया, आंसर जरूर दीजिएगा। बाकी देखने को मिला यहां पर गवर्नमेंट ने बोला है कि आने वाले टाइम में 100 और नए एयरपोर्ट बनाने की बात की जा रही है, तो देखते हैं कब होता है। जेबी टाइफून के बारे में जाना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किस पर्टिकुलर एरिया में, ये भी याद रखिएगा। बोला जा रहा है कि दलित वर्ड न यूज करके शेड्यूल कास्ट वर्ड यूज किया जाए, ये बोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा मीडिया हाउसेज को। ब्राजील में नेशनल म्यूजियम में यहाँ पर आग देखने को मिली, जिसकी वजह से काफी कुछ यहाँ पर प्रभाव होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा विराट कोहली जो यहाँ पर टॉप रैंकिंग यहाँ पर अपनी बरकरार रखे हुए हैं। आंसर ये दिए गए आप लोगों के द्वारा शानदार तरीके से, इसी तरीके से आप लोग आंसर देते रहिए ताकि यहाँ पर आप लोगों का भी मोटिवेशन बना रहे और मेरा भी। इसके अलावा यहाँ पर बाना हम लोगों ने IO वेव 2018 यानी कि 18 के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, पूरा आप लोगों का आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा इंडिया पाक एग्री हो गई, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में जो यहाँ पर साइन की गई थी, डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया और ये भी हम लोगों ने देखा, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो बात निकल कर आई यहाँ पर, ये हम लोगों ने जाना मिजोरम में एक नया चेक पोस्ट यहाँ पर खोल दिया गया, और ये सेकंड चेक पोस्ट है, 1 सितंबर में ऑलरेडी खोला जा चुका है। इसके अलावा हम लोगों ने जाना एक शानदार एक्सरसाइज के बारे में, जिसका नाम है रैपिड ट्राइडेंट, ठीक है ना, तो नाम याद रखिएगा, फिर ट्राइडेंट आप लोग बोल सकते हैं, इसका नाम जरूर याद रखिएगा। और साथ में ये है वोस्टॉक 2018, तो दोनों एक्सरसाइज के नाम याद रखिएगा, शानदार एक्सरसाइज है, दोनों क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर दो नाम देखे जो कि यहाँ पर क्वालिफाई कर लिया गया ओलंपिक के लिए, आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने वन लाइनर देखे, और इसके अलावा आप लोगों का था रिवीजन का पोर्शन पॉलिटी का, जो कि आप लोग जाकर रिवाइज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। तो आप लोगों का जो टारगेट है उसको अचीव जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक करना, डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स से जरूर बताना, और इसके अलावा चीजों को शेयर करना मत भूलिएगा। जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ाइए जरूर। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर जो कि हमारा द हिंदू का होने वाला है शानदार तरीके से। तो एंजॉय कीजिए और खुश रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।